लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की वोटिंग के बीचों बीच सट्टा बाजार के सर्वे से आज बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर आई। सट्टा बाजार के अनुमान की माने तो इस बार मोदी की विदाई तय है। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार, कोलकाता, इंदौर, अहमदाबाद, कानपुर और मुंबई के सट्टा बाजार के सर्वे में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया गया है। शुरुआत में कई सट्टे बाजारों ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे बीजेपी की जीत की संभावना कम होती गई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा कर रही है। हालांकि किसी भी सट्टा बाजार ने बीजेपी के 400 सीट जीतने के अनुमान को सही नहीं माना। इतना ही नहीं, अब एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है। कौन कौन से बाजार ने क्या नंबर दिया है वो मैं आपको बता देता हूं। जो आप टीवी में देखेंगे, एग्जिट पोल में देखेंगे, वो तो एंकरानी तमाम आपको डेटा देते रहेंगे, लेकिन सट्टे बाजार में क्योंकि हजारों करोड़ रुपए लगे होते हैं तो इसके अनुमान को सही माना जा सकता है। फलोदी सट्टा बाजार में किसको कितनी सीट मिली है वो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि बीजेपी को आगामी चुनाव में 209 से 212 सीट मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को कुल 253 सीटें मिलने की संभावना है। यानी कि जो एनडीए है, बीजेपी है, वो 272 का जादू या आंकड़ा, मेजोरिटी का आंकड़ा उसको नहीं मिलता हुआ दिख रहा। ये फलोदी सट्टा बाजार का, फलोदी सट्टा बाजार को सबसे प्रमुख माना जाता है सट्टा बाजारों में और उसके अनुमान को बहुत वैल्यू दी जाती है। वो कह रहा है कि एनडीए को मोदी को बहुमत नहीं मिल रहा। हालांकि इनका कहना है कि इंडिया ब्लॉक को 246 सीटें और कांग्रेस को 117 सीटें मिल सकती हैं, यानी कहीं ना कहीं वो इंडिया अलायंस को बहुमत देते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर फलोदी सट्टा बाजार से आई है। पालनपुर सट्टा बाजार का क्या अनुमान है वो मैं आपको बता देता हूं। पालनपुर सट्टा बाजार ने बीजेपी को सिर्फ 216 सीट दी हैं, जबकि एनडीए को 247 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी 250 सीटें भी ये पालनपुर सट्टा बाजार बीजेपी को एनडीए को देता हुआ नहीं दिख रहा, जादुई आंकड़े से पीछे। वहीं पालनपुर सट्टा बाजार इंडिया ब्लॉक के 225 सीटें और कांग्रेस को 112 सीट मिलने की भविष्यवाणी कर रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को वो बढ़त दिखा रहा है। तो यहां बीजेपी को आप देखेंगे कि पालनपुर सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी वो फुस हो गया, वो नारा सही साबित नहीं हुआ और इस भविष्यवाणी के मुताबिक बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा भी नहीं मिलने वाला, वो 250 के आंकड़े से नीचे रह जाएगी। ये है पालनपुर सट्टा बाजार का आंकड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, करनाल सट्टा बाजार में एनडीए को कितनी सीट मिली है वो मैं आपको बता देता हूं। करनाल सट्टा बाजार में एनडीए को 263 सीट दी हैं, ये करनाल सट्टा बाजार है और इसने एनडीए को 263 सीटें का अनुमान जताया है, और यानी 272 से भी कम है, लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ कर किसी तरह सरकार बनाने की स्थिति बन सकती है। और इंडिया ब्लॉक को करनाल सट्टा बाजार ने 231 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, 231 सीटें इंडिया अलायंस को, यानी किसी को भी बहुमत देता हुआ यहां पर करनाल सट्टा बाजार नजर नहीं आ रहा। इसके मुताबिक बीजेपी अपने दम पर 235 और कांग्रेस 108 सीट जीतने में सफल हो सकती है, लेकिन गठबंधन साफ साफ किसी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा। तो कुल मिलाकर गठबंधन की सरकार बनेगी, किसकी बनेगी वो उसकी उस पर निर्भर करेगा कि कौन कितना जोड़ तोड़ कर सकता है। करनाल सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी का 400 पार का नारा हवा हो गया, मोदी की विदाई तय लग रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इंदौर का सराफा बाजार भी इसमें काफी अहमियत रखता है, उसके भी अनुमान को वैल्यू दी जाती है। तो इंदौर के सराफा बाजार में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान इसमें जताया गया है। इसमें कहा गया है कि एनडीए को बहुमत मिल सकता है, बीजेपी को अकेले 260 सीट मिलने का अनुमान इसमें जताया गया है कि 260 सीट जो है इंदौर सराफा बाजार के मुताबिक वो सिर्फ बीजेपी को मिल सकती हैं और एनडीए को बाकी सीटें मिलेंगी, तो इस हिसाब से वो बहुमत का आंकड़ा छू लेगी। और इस जो इंदौर सराफा बाजार है उसके मुताबिक इंडिया ब्लॉक को चुनाव में 231 और कांग्रेस को 108 सीट मिलने की उम्मीद है। और इसके बाद आगे बढ़े, दूसरे सट्टा बाजार पर नजर डालें तो वो कहता है कि क्या है बेलगाम का जो सट्टा बाजार है वो क्या कहता है। बेलगाम सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी की है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 223 और एनडीए को 265 सीट मिल सकती हैं, 272 बहुमत का आंकड़ा है, उससे नीचे 265 एक स्थिति बन सकती है सरकार बनाने की, जबकि इंडिया अलायंस को 230 और कांग्रेस को अकेले 120 सीट मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है बेलगाम सट्टा बाजार की और से। तो ये जो सट्टा बाजार है इसमें देखिए, इंदौर सराफा बाजार बीजेपी को एक बहुमत दिखा रहा है, लेकिन बाकी के जो सट्टा बाजार हैं वो बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से नीचे दिखा रहे हैं। कोलकाता का सट्टा बाजार क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूं। कोलकाता का सट्टा बाजार बीजेपी को 218 सीटें और एनडीए को सिर्फ 261 सीटें
मिलते हुए दिखा रहा है, यानी कि बहुमत के आंकड़े 272 से नीचे, सिर्फ 261 सीटें। वहीं कांग्रेस को 128 और इंडिया ब्लॉक को 228 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर कोलकाता सट्टा बाजार की तरफ से लगाया गया है। यानी यहां भी स्थिति इंडिया अलायंस के पक्ष में जाते हुए दिख रही है, बीजेपी की विदाई के संकेत यहां पर दिख रहे हैं। आगे बढ़े दूसरे सट्टा बाजार की अगर बात करें तो विजयवाड़ा सट्टा बाजार का अनुमान है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 224 और एनडीए 252 सीट जीत सकती है। यानी आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे थे अब की बार 400 पार, उसके नारे की हवा निकलते हुए तमाम सट्टा बाजार दिखा रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ 252 सीटें यहां पर मिलते हुए दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 121 सीट और इंडिया ब्लॉक को 237 सीट जीतने का अनुमान है। मुंबई सट्टा बाजार की अगर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी को अकेले 295 से 305 सीट मिलने का अनुमान है। मुंबई सट्टा बाजार जो है बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहा है, जबकि कांग्रेस को वो सिर्फ 55 से 65 सीटें दे रहा है। ये उसका पूर्वानुमान है जो मुंबई सट्टा बाजार ने लगाया है। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी के लिए अकेले 350 सीटें जीतना भी मुश्किल होगा। यानी सट्टा बाजार की माने तो पीएम मोदी को अभी इस सरकार बनाने के चांस कम हो गए हैं, और जो वो दावा था 400 पार का वो भारी पड़ गया और बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति बन गई है। लेकिन ये तो अभी पूर्वानुमान है ये सट्टा बाजार के। हालांकि सट्टा बाजार क्योंकि बहुत उसमें पैसा लगा होता है, उसकी भविष्यवाणियों को कई बार सच माना जाता है, वो कहते हैं कि वो नब्ज देखकर बात बता रहे हैं, लेकिन फिर भी असली नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे और तभी तय होगा कि आखिर देश में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल सट्टा बाजार के इन अनुमानों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ भी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ भी का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ भी फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ भी फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।